राजस्थान से राज्यसभा में जाने को तैयार कांग्रेस पर्सन सोनिया गांधी के इस फैसले को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये सवाल भी सियासी गलियारों में है कि आखिर सोनिया गांधी ने राजस्थान को ही क्यों चुना। इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई का कहना है कि सोनिया गांधी ने उत्तर दक्षिण का आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए राजस्थान को चुना है। राशिद किदवई के मुताबिक जुलाई 2023 में प्रकाशित उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ही सोनिया गांधी ने उच्च सदन में पहुंचने के लिए राज्यसभा का रास्ता अपनाया है। इसके अलावा जानकार सूत्रों ने ये कहा कि सोनिया गांधी सिद्धरमैया के हाव भाव से बहुत प्रभावित हुई हैं। उन्होंने उत्तर दक्षिण का आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए राजस्थान को चुना है। AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। 8 महीने पहले कर्नाटक के CM सिद्धरमैया ने AICC की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक सीट की पेशकश की थी। सोनिया गांधी को ये गौरव भी हासिल है कि अभी तक उन्होंने कोई भी चुनावी मुकाबला नहीं हारा है। साल 1999 में औपचारिक रूप से राजनीति में शामिल होने और कांग्रेस की कमान संभालने के लगभग एक साल बाद सोनिया ने अमेठी और बेल्लारी दोनों लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद 2004, 2009, 2014 और 2019 में उन्होंने रायबरेली से जीत हासिल की। राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस में बाहरी लोगों का दबदबा और वर्चस्व बरकरार रहेगा। राज्य के 6 कांग्रेस सांसदों में से 5 पर बाहरी का टैग लगा हुआ है। इनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, KC वेणुगोपाल और सोनिया गांधी शामिल हैं। राज्य से कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की सूची में केवल राजस्थान के मेघवाल समुदाय से आने वाले नीरज डांगी ही स्थानीय हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने राज्यसभा सीट चुनने का फैसला 10 जनपद को बरकरार रखने के लिए किया है, जो कि 1989 से उनका निवास स्थान रहा है। 2019 के बाद अपने स्वास्थ्य और कई अन्य कारणों से सोनिया अपने रायबरेली लोकसभा क्षेत्र की उतनी देखभाल नहीं कर पाई जितनी वो करना चाहती थी। प्रियंका गांधी के 2024 में चुनाव लड़ने या रायबरेली जीतने की संभावना से 10 जनपद को बरकरार रखने का मुद्दा हल नहीं होगा। पहली बार सांसद बनने के बाद प्रियंका 10 जनपद पाने की हकदार नहीं होंगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने के पीछे अशोक गहलोत का भी हाथ है। अशोक गहलोत इसके जरिए सोनिया गांधी की उनके दिल में छिपी नाराजगी को दूर करना चाहते हैं। अब बातें तो कई हैं, लेकिन असली वजह क्या है ये तो कांग्रेस ही जानती है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।